ओके सो क्या कहना चाहोगे, राम जी का बर्थडे है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहोगे, विश करना है, क्या ब्लेसिंग्स दोगे? ही इज माय ब्रदर, राम जी इज माय ब्रदर, सो आई वुड ऑलवेज लव टू विश फॉर हिम. उनका बर्थडे मैंने उनके घर पे भी मनाया है. नाउ ही इज कम टू 11 एंड ही लॉन्चिंग अ सॉन्ग ऑन हिज बर्थडे. आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. ओके सॉन्ग इसके साथ साथ सॉन्ग लॉन्च भी है, तो इसके लिए कितना एक्साइटेड हो? आई थिंक उनके लिए काफी हैप्पी कि उनका लेबल इतना अच्छा कर रहा है. ही इज डूइंग सो वेल इन लाइफ एंड ही इज एक्चुअली गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू पीपल हू नीड इट. सो रियली हैप्पी विद सच अ थॉट कि इंडस्ट्री में आज भी ऐसे लोग हैं. व्हाट अदर मोर अबाउट, आपने ये सॉन्ग देखा? हाँ कितना मजा आया. यू नो एक सोशल मैसेज भी है. इट इज फन. द बॉयज हैव डन अ गुड जॉब. उनका सोशल मैसेज नाउ दैट दे आर influencing people on TikTok, obviously they're influencing everywhere. So फिर उनके कोई भी decision से या उनकी कोई भी project से लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा. They'll learn a lot of things. So I just hope they keep doing such good things and influence people in the right way. अच्छा US का सफर आप दोनों को कैसा रहा? बहुत अच्छा. बहुत amazing. बहुत अच्छा. थोड़ा experience यू ना share करना चाहो. हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियो गए थे, वहाँ पर कल्चर देखा, तो यहाँ से काफ़ी अलग है, सिमिलैरिटीज देखी काफ़ी. तो ओवरऑल काफ़ी छोटा ट्रिप था. प्लान टू गो फॉर अ लॉन्गर ट्रिप आफ्टर रागिनी गेट्स. ओके अभी अभी क्या चल रहा है? रागिनी का अभी शूट चल रहा है या कंप्लीट हो गया? हमें शूट के लिए वी हैव टू डन एंड रश फॉर द शूट. वी आर वर्किंग लाइक ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे. इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस डे बाय डे. बट देन या वही है, लाइक we just keep telling this to each other ke let's give it all in and then it'll be worth it. We are just promising it. ओके रागिनी के अलावा अगर बात करें बिग बॉस की, तो क्या आप दोनों जाना चाहोगे? रियलिटी शोज़ खत्म हो गए. एमएस की फिक्शन में इतना मज़ा आ रहा है कि रियलिटी शोज़ का मन ही नहीं करता. सो दिस जो हाँ इंटरेस्ट लाइक करता है वहाँ वो चीज़ का कंडीशन. फॉर आवर शोज वर नेवर फॉर पॉपुलैरिटी, हमको लोग जाने एंड देन वी कैन शो देम दैट व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ. ओके जिसके विनर बने थे एस ऑफ स्पेस वो अभी चल रहा है ऑन एयर है, तो कितना मजा आ रहा है कि आप लोगों ने देखा? हम वो भी नहीं देख पा रहे हैं, दो वी वांटेड टू वॉच इट सो बैडली. वी वर वेटिंग फॉर दिस सीजन. हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज ऑब्वियसली हम पहले सीजन के रह चुके हैं. वी वांटेड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सेकंड सीजन बट देन वी डोंट हैव टाइम. बट देन द मिनट वी गेट वी हैव टाइम द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वॉच इट. ओके गेस्ट अपीयरेंस के लिए अगर अप्रोच किया जाए तो जाना चाहो? किया है मैं तो जाके भी वापस आ गई. ओके एमटीवी के बस टाइमिंग ही मैच नहीं कर पा रहे. अदरवाइज जैसे हमको फ्री टाइम मिले तो वी बोथ विल लाइक. तो फैंस आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे, एक बार लास्ट फैंस को मैसेज दे दीजिए. फैंस ऑब्वियसली यू विल सी अस इफ नॉट इन एथर स्पेस, इफ नॉट इन ऑन एमटीवी, यू विल सॉली सी अस ऑन ऑल्ट बालाजी. वी डूइंग दिस एक टाइम कोर्स बिग प्रोजेक्ट रागिनी एमएमएस, सो वी आर वेटिंग फॉर इट. यू नो एस ऑफ स्पेस आया जब से आप लोगों का नाम भी बहुत बस में है, इसीलिए एक गेस्ट अपीयरेंस फैंस के लिए भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर. देखो हमको तो प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑल्ट और एमटीवी एक डेट पे आ जाए जहाँ हमको फ्री मिले और वो लोग भी अग्री कर जाए तो हम तो पक्का चले जाएंगे. हमारा क्या हमारा घर था वो. थैंक यू सो मच विजुअल्स.